बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिमेंजा ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्लाट नंबर 635 गली नंबर 19 सेक्टर ई बैरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दो दिन पहले यहाँ पे सही बारिश हुई है। बारिश के बाद धुंध का भी खात्मा हो गया, खुशकसाली का भी खात्मा हो गया। दो दिन ये माशाल्लाह सही फिर सूरज निकला है। हमने ये सूरज का फ़ायदा उठाते हुए, ये आप देख सकते हैं, आपको आज मैं दिखाता हूँ, ये चिनाई जो है हमने 7 फुट तक कंप्लीट कर ली है। कुछ थोड़ी सी ये रह गया एक टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनना है और साथ शटरिंग वाले भी आ गए हैं। 7 बंदे मैंने काफ़ी लगा दिए हैं, मैंने कहा इस काम को ज़रा थोड़ा सा खींचते हैं, क्योंकि आगे 8 तारीख को इलेक्शन भी आ रहे हैं। सारे बंदे कह रहे हैं हमने वोट डालने जाना है। मैंने कहा ये जो काम है मोटा मोटा हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। अभी मैं ऊपर जाता हूं, ऊपर का जो काम हो रहा है, शटरिंग कहां तक पहुंची है और चिनाई कितनी रह गई, ये सारी डिटेल के साथ आपको दिखाता हूं। शटरिंग वाले ये देख सकते हैं, शटरिंग यहां पे इन्होंने काफ़ी रखी थी, वो ऊपर पहुंचा दी गई है। अभी मैं अंदर इंटर हो चुका हूं, ये हमारा आ गया पोर्च। यहां पे मैंने एक बंदा लगाया है जो कि यहाँ पर जहाँ मसाला बनाते रहे, ये ईंटें जो हैं ये यहाँ पर जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो है हम इसको क्या कहते हैं, निकालते हैं, इसके ऊपर मसाला बनाया जाता है। अब इस मसाले का काम यहाँ से हो गया ख़त्म, तो हम अब इस ईंटों को जो साइड से निकालते हैं ताकि ऊपर इन्हें चिनाई में काम आ सके। इधर मुँह करें जी, एक माशाल्लाह बिजली वाला शहजादा भी आ गया, इसने भी चरियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर। नाजरीन, एक बात आपको और बता दूँ, अभी मौसम जो है बहुत फिट हो गया है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। 7 बंदे जो काम कर रहे हैं। अभी जो मैं सुबह आया हूँ, एक डिज़ाइन का थोड़ा सा इशू था, तो इन्होंने मुझे सुबह सुबह बुलाया कि आके चेक कर लें, बाद में कोई मसला ना बने। तो मैं खुद यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो अभी ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जवानो, क्या हाल जनाब, ठीक हो? जवाब दिया करो उच्ची आवाज़ ना। अल्लाह का शुक्र, मैं सलाम किया साहब, फोन लगे जवाब ही नहीं देता। चले कोई कोई गल नहीं, तुसी बी दीजिए। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं पहुंचा यहाँ पे, पत्री भी मैंने दे दी है, ये पत्री, ये तार है। ठीक हो रहा काम? माशाल्लाह बड़ा फिट हो रहा है। चलो बड़ी मेहरबानी, फिट ही करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो डिजाइन है उसका थोड़ा सा मसला बना है, तो वो हम जो है उसको क्लियर करते हैं। ये थोड़ी सी चिनाई रह गई है मुकम्मल होने वाली, ये भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हो जाती है। शटरिंग ऊपर काफ़ी आ गई है, ये बेडरूम की शटरिंग, ये आप देख सकते हैं। मैं ऊपर आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डिज़ाइन में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ गया था, क्योंकि कल जुमा था, चिनाई कर रहे थे, मैं भी नहीं आया, तो ये लगे हुए थे और मरीज सैन खुद भी नहीं आया। यार ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मरीज सैन कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा है आप खुद देख लिया करें। साहब जी मेरी तबीयत सेट है, मिस्त्री आने उन्होंने दीवार लगा दी है, नक्शा देखा नहीं। अच्छा, मैं हूँ आके नक्शा देख के तके है ना, तो चार थोड़ी बहर आने से ठीक है, वो मसला नहीं है, इशू नहीं, मैं इसको सेट कर। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले हाजी साहब जरा आप आगे आ जाना। हाजी साहब को बताएं ये जो पटा है किस तरह लगना है, ये ऊपर कॉलम जो है इसके ऊपर जो डिज़ाइन आ रहा है उसका पहले बता दें शटरिंग का, क्योंकि इसकी शटरिंग बाद में लगाएं ताकि पहले आप इसकी जो बल्की है वो निकाल लें। बताएं हाई साहब को जरा। साहब जी तू पीछा सारे हम बताओ सुन ना, शटर निकल रहे तोड़ तोड़ कि तू पीछा सारा जन शेड भरी सारा पूरी कंक्रीट हो, तो आपने खाली रखे ग्रेड कि तू पीछा पीछा तोड़ शेड तक ना सारी कंक्रीट भरी वैसे ये सारे अगम पत्ते हो। यहाँ पे दो कॉलम आ रहे हैं, कॉलम को हमने सीधा लेके जाना है, एक कॉलम ये है, एक यहाँ पे जो ईंट पड़ी है। ठीक है और ये जो है ना बीम के ऊपर तकरीबन 9 इंच आ रहा है, बीम के ऊपर से 9 इंच ये फटी लगनी है, ऊपर जो शटरिंग लगनी है 9 इंच के बाद लगनी है। ठीक है जी नाजरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो अभी दोस्त सारे जो है नीचे आए, कह रहे हैं चाय पिलाएं, तो सुबह सुबह सर्दी भी काफ़ी है, तो मैंने कहा चले चाय पिलाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सारे दोस्त बैठ के चाय पी रहे हैं। जी साहब हमारा बहुत अच्छा है जी, चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, हर चीज़ देता है, ये हम इसके लिए भी दुआ करते हैं, मालिक के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह सबको सलाम होता है जी। आमीन आमीन आमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखें अभी चाय आई है सिर्फ, बंदे खुश हो गए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि बंदे को खुश रखना चाहिए, ताकि ये फिर जितनी इनके साथ मोहब्बत करते हैं उतनी ये हमारे साथ बढ़ के मोहब्बत करते हैं, और हमारा काम भी अच्छा होता है और काम जो है जल्दी होता है।
जी चाय के वक्फे के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम दोबारा शुरू कर दिया है। इधर एक मरीज से हैं, कोई काम कर रहा है, इससे पूछते हैं क्या कर रहा है। मरीज ये क्या कर रहा है? स्टार्टर ला रहे हैं ना। अच्छा, बिल्कुल ठीक। स्टार्टर का मकसद ये है कि ये बराबर जी शटरिंग आगे पीछे नहीं होगी, साथ साथ हम ये सफाई करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं बंदा लगा हुआ है, ताकि इसमें ये होगा शटरिंग वाले को भी रुकावट नहीं होगी, इसके बाद बीम कॉलम लगाने उसको भी रुकावट नहीं होगी, उसके बाद जो कंक्रीट करनी है जिस वक्त उस वक्त रेडी आसानी से चल सके। शटरिंग वालों ने भी माशाल्लाह ये देख सकते हैं साइज वगैरह निकाल दिए हैं, ये सफाई वाले ने बड़ा अच्छा काम किया, ये साथ साथ डेरियाँ बना रहा है और ईंटें जो सेंटर में कर दी हैं ये आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह शटरिंग वाले वो भी लगे हुए हैं, इन्होंने इधर भी साइज निकाल के रखे हुए हैं। साजिद साहब इधर कॉलम लगा रहे हैं शटरिंग वाले, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद सरिये वाले को बुलाएंगे, वो मेरा ख्याल ये काम कल तक चला जाएगा। ये सफाई में ये होता है कि ईंटें जो बिखरी बिखरी थी इधर उधर वो एक जगह पे चले गई हैं, काम माशाल्लाह प्रॉपर तरीके के साथ हो रहा है। जी नाजरीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है ये आपने कमेंट्स बॉक्स में जाके बताना है। आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं ख़त्म, जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बन गए।